उनसे मैंने कहा उस्ताद इसकी तशरीह करें कि मौला फरमा रहे हैं कि सांप की तरह से देखी करो। तो उन्होंने कहा सांप के अंदर तीन सिफतें हैं, देखो कौन सी सिफत है जो हमें अपनानी चाहिए। पहली सिफत तो यह है तवज्जो, पहली सिफत तो यह है कि सांप सोए हुए को या एक और सलवात इसकी शिफा के लिए। असल में ये बच्चे भूखे प्यासे, स्काउट ग्रुप्स के हमारे दोस्तों से मेरी इल्तमास है, न जाने ये कब आया होगा यहाँ, मेरी सुनिए जरा आपको ताकि इस बहाने एक पैगाम दे दूँ। ये बेचारे बहुत देर से ड्यूटी पे आए होते हैं, मुझ जैसे लोगों की झटकियाँ भी खाते हैं, तुमने हमें चेक क्यों किया, तुमने हमें बॉडी क्यों लगा पर हाथ लगाया, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, तुम क्यों कह रहे हो मैं जूतियाँ यहाँ उतारूँ। तो बच्चे मेरे साथ हैं और पता नहीं कब से इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा और इसकी ड्यूटी मेरे साथ है, अल्लाह इसे शिफा अता फरमाए। तो इन स्काउट्स ग्रुप के जो खिदमात है ना, मैं खुद एक स्काउट रहा हूँ, मेरे अब्बा स्काउट ऑर्गेनाइजर थे सिंध के कुछ 6-7 बड़े शहरों में, इन्होंने स्काउट ग्रुप बनाए। हमें बताएं ये वर्दी में रहना कितना मुश्किल है, मोटे मोजे पहनना कितना मुश्किल है, जरा इन सब की हौसला अफजाई के लिए बलंदर सलवात। एक और बुलंद सलवात अल्लाह, एक और सलवात अल्लाह नबी की।